यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अपने दौर के प्रसिद्ध पत्रकार, कवि एवं कर्मचारी हितों के रक्षक, बीएन के भंडार के ऑडिट ऑफिसर, लादूराम कुमार के घर एक नन्ही परी की किलकारी गुंजायमान हुई। दिन था भादवा पत्र की मंगलवार, तारीख 8 सितंबर सन 1964। जन्मजाई एक विदुषी एवं बीड़ी श्रमिक यूनियन की लीडर थी। विद्वान पंडितों के परामर्श से नाम रखा गया कल्पना। कुमार परिवार के भावी जीवन की कल्पना, आसमान के सात रंगों को भरने वाली कल्पना। कल्पना अपनी माता श्रीमती चंदा देवी के सानिध्य में अपने बचपन को तितली पकड़ते, खेलते कूदते, अध्ययन करते हुए गृह कार्य की शुरुआती कक्षाएं ले रही थी। समय पंख उड़ाकर चल रहा था। कल्पना अपने सबसे बड़ी होने का फर्ज निभा रही थी। पिता लादूराम के बाद में 5 पुत्रियां एवं 2 पुत्र और हुए। उस दौर में कल्पना, जिसका प्यारा सा नाम मंजू भी था, अपनी उम्र के हिसाब से सभी गृहस्थी के कार्यों को सफलता से पूर्ण करते हुए लगातार अपना अध्ययन जारी रखे हुए थी। साथ ही सभी भाई बहनों पर अपना प्यार दुलार भी बनाए रखे थी। कल्पना की अपनी स्कूली शिक्षा आर्य समाज संस्थान की गोदावरी बालिका विद्यालय में संपन्न हुई। वो दौर था देश की पंचवर्षीय योजनाओं का फलीभूत होने का। वो समय था राशन की लाइनों में लगने का। वो वक्त था पीने के पानी के जद्दोजहद का। वो दौर था इमरजेंसी का। ऐसे में अपने साथ भाई बहनों का ख्याल रखना, उनके साथ खेलना, उन्हें पढ़ाना जैसी कई जिम्मेदारियां अपने छोटे नाजुक कंधों पर उठा रखी थी। रातों को अपनी माँ के बीड़ी कार्यों में हाथ बटाना, भोजन पकाना, कड़ी धूप में पैदल चलकर अपनी कॉलेज शिक्षा हेतु सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने जाना। उस दौर में कुमार समाज की वो अकेली लड़की थी जो कॉलेज में अध्ययनरत थी। घर के काम की जिम्मेदारियां भी हम दोनों की लगभग बराबर सी ही थी, लेकिन हाँ वो बड़ी थी इसलिए उसकी थोड़ी ज्यादा थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए कॉलेज के बाद में दीदी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। वो घर पर ट्यूशन भी करती थी। मैं बैंक में जॉब करती हूँ और इस कारण मेरे बिट्टू को भी उसने बहुत अच्छे से संभाला है। हमारे बिट्टू की परवरिश दीदी और मम्मी की देखरेख में ही हुई है। दीदी स्कूल से आती थी तो अक्सर उसको अपने साथ ले जाती थी और दिन भर वहीं रहता, उसके साथ खेलता कूदता, फिर वापस हम आते वक्त उसको घर ले आते थे। उसने हमारी मम्मी की बहुत अच्छे से सेवा की है। मम्मी जब अहमदाबाद में एडमिट थी तो 2 महीने तक उसके साथ रह के दीदी ने मम्मी की सेवा की थी। उसके बाद में छोटी बहन शिमला को कैंसर हो गया था तो उसको भी लेकर के बम्बई, अहमदाबाद और हैदराबाद तक गई है। स्कूल से उसने खूब छुट्टियाँ ली है। हम सब बहनों ने उनकी बहुत सेवा की थी। ईश्वर की जैसी मर्जी है वैसा हुआ। इसी तरह से मेरा खुद का भी जब ऑपरेशन हुआ तो दीदी ने 1 महीने तक मेरी सेवा की थी और आज भी वह सबके साथ में हर वक्त खड़े रहने के लिए तैयार रहती है। तो हमारी दीदी हमारी माँ के बराबर है। वो हमेशा हमारे को माँ की तरह प्यार देती है और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी दीदी को हमेशा निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे। पढ़ाई पूर्ण होने पर सन 1986 में वैवाहिक जीवन में प्रवेश हुआ और 2 मई सन 1989 को आपके जीवन में आपकी लाडली पुत्री अनुषा का जन्म हुआ और आप अपनी पुत्री के साथ अपने पिता के घर रहने लगे। बचपन से संघर्षों की भट्टी में तपे हुए उन्हें नए सिरे से अपने और अपनी बेटी के बेहतर जीवन यापन हेतु आपने वापस अध्ययन की राह पकड़ी। उस समय माँ ने अपने आंचल से पूरा स्नेह और सहयोग बरसाया तो पिता ने जीवन संघर्ष की एक नई परिभाषा समझाई। बहनों ने उस कठिन दौर में उन्हें ढांढस बंधाया। छोटे भाई तो वैसे भी उन्हें अपनी माँ जैसा लाड़ करते थे। मैं काफी बदमाश था। बदमाश होने के कारण कई तरह की घर में शरारतें करता था तो उसकी वजह से मुझे डांट पड़ती थी। तो वो डांट को काफी हद तक मंजू दीदी बचाती थी। एक बार तो मैंने घर में आग भी लगा दी थी तो उसका इल्जाम मंजू दीदी ने अपने ऊपर लिया। हमारी माता जी शांत हो गई तो उसके बाद हमने
हर तरह का स्नेह हमें मंजू दीदी से ही मिला। ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे एक माँ की ज़रूरत है। मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद मैं शादी करके जब आई तब मुझे ऐसा जब भी लगा कि मुझे हाँ माँ की ज़रूरत है, मैंने अकेला फील किया, या फिर मैं जब भी रोई हूँ मैंने उन्हें हमेशा अपने पास पाया है। हम जब भी घूमने गए, अभी जैसे हम अमरनाथ गए थे 2015 में, तो हम मंजू दीदी को साथ लेके गए थे। और मंजू दीदी को इसलिए साथ लेके गए थे कि हमारा गार्जियन बने। इतनी नॉलेज है उनको, ये पेड़ इस चीज़ का है, ये चीज़ ये है। उसके अलावा कहीं पे भी ठगी वाला काम होता ही नहीं उनके साथ जाने से, क्योंकि अनुभव तो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। अनुभव भी लेने या देने नहीं देते, जिसकी कोई याद नहीं। हम उसके बाद अभी हम गए 2022 के अंदर द्वारिका, बेट द्वारिका, सोमनाथ, दीव। भौगोलिक अच्छी नॉलेज है भाई, यहाँ पे इस रास्ते से ये जाएंगे तो रास्ते में ये चीज़ें और मिलेगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिताजी से सीखा है। हमेशा की शादी को लेके हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा हमें सौंप दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा तो कोई रोल है नहीं। और मंजू दीदी को ये कभी एहसास नहीं होने देंगे कि भाई तुम्हारे बाद अमीषा का क्या है क्या नहीं है, तो हम हैं और हमारा पूरा परिवार एक है। हमारे भाई वगैरह, हमारी सिस्टर, हमारे भांजे भांजी, हम सब एक ही साथ हर जगह मिलते हैं। सन 1997 में भीलवाड़ा से बीएड किया और सन 1999 में पंचायत राज में तृतीय श्रेणी की अध्यापिका का नियुक्ति पत्र लेकर अपने भाई के साथ स्कूटर पर बैठकर गांव किशनपुरा पंचायत समिति जवाजा में स्कूल में ज्वाइन किया। मुझे तो दीदी का सबसे ज़्यादा मेरे डिलीवरी के वक्त सपोर्ट याद है। उन्होंने गुल्लू को इस तरीके से रखा है जैसे कि वो उन्हीं का ही बेटा हो। मेरे मम्मी पापा हो या यहाँ मम्मी पापा हो, दोनों के जाने के बाद कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई कि वो नहीं है। तो शुरू से ही मंजू दीदी का विशेष स्नेह रहा है। गुड़िया जी की जब डिलीवरी हो रही थी ना, तब उन्होंने मुझे उनकी जिम्मेदारी दी, ये मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। धनु के लिए, गुड़िया के लिए कुछ करने का एक मुझे मौका मिला कि मैं भी दीदी के लिए कुछ कर सकूँ। आपको तीन चार चीजें विशेष तौर पर सीखनी चाहिए सभी परिवार के सदस्यों को, कि एक तो सादा जीवन और अनुशासन और मित्रता, पढ़ने की एक वो जो लालसा है, किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये चीजें भी सीखनी चाहिए। पढ़ना अपने आप में बहुत जरूरी चीज है जो आज के युवा पीढ़ी भूल चुकी है। जिस दिन धनु हुआ उस दिन उनकी जो उन्होंने जो मतलब खुशी जाहिर करी थी, मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी खुशी रही होगी। और हम लोगों ने भी उसको उनके साथ खूब एंजॉय किया, मस्ती करी। नहीं, और दीदी अपनी हर खुशी हमारे साथ बहुत एंजॉय। अभी एक दिन हमने उसको बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज दिया था, उस दिन बहुत खुश हुई थी जब हमने उनका बर्थडे मनाया। आपने सर्विस के साथ सन 2000 में हिंदी साहित्य से मास्टर डिग्री भी ली। शिक्षा विभाग की नौकरी करते हुए आपने अपनी लाडली बिटिया को अच्छे संस्कार व शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। आपकी लाडली बेटी ने भी अपने माँ के पद चिन्हों पर चलते हुए जोधपुर से बीएड की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उसने तकनीकी शिक्षा हेतु जयपुर भी अपनी पढ़ाई करी। छोटे भाई बहनों का समय के साथ विवाह एवं रोजगार शिक्षा चल रहा था और आपने दूरदृष्टि दिखाते हुए अपने लिए एक आशियाना 2010 में जय माँ संतोषी कॉलोनी जालिया रोड पर बसा लिया। अपनी सरकारी सेवाओं में रहते हुए आपने पहाड़ों के बीच बसे गांव नया खेड़ा में 6 वर्षों तक कई किलोमीटर रोजाना चलकर बच्चों में शिक्षा की अलग जगाई। 10 वर्षों तक गांव जवाजा में तृतीय श्रेणी अध्यापिका रहते हुए माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। आपकी विद्वता देखकर आपको ये जिम्मेदारी दी गई। पापा के सामने तुम गेमत ही नहीं कुछ बोलते, एकदम माशाल्लाह। कभी जैसे जाने के लिए बोलते और बोल देते कल पर नहीं, पापा को पता लग जाए ऐसा बोलना तुम मैंने भी क्या करना था। बोल दूंगी खूब अच्छे से, अपने पर खर्च नहीं करेगी, सब पर खरीदेगी, खुद के लिए कुछ नहीं ना। मन मुटाव तुम बातें नहीं, गुस्सा कभी देखा ही नहीं तुमने, कभी गुस्सा नहीं, बस सीरियस, बस काम के प्रति बहुत सीरियस। जब तक तो जैसे हम स्टाफ रूम बैठ कर बातें कर रहे हैं, उनके काम में दिक्कत पड़ रही है तो बार बरामदे में टेबल कुर्सी लग जाएगी, कर लेंगे उसका बहुत शौक। मेरे घर पे भी पुरानी बुक्स 4-4 महीने 5 महीने पुरानी बुक्स ले जाती है,
नॉवेल पढ़ने का शौक है प्लस बैलेंस सुमन सौरभ और साहित्य पत्र और ऐसे उनको सिलाई का भी शौक है लेकिन करती नहीं अब आजकल आलसी हो गया चुप ही रखो गुस्सा हो गया तुम चुप हो गए बोलो मत बिल्कुल अपना बात शांति बस उनसे एक ही बात द्वितीय श्रेणी शिक्षिका में कर्मोन्नत होने के बाद आपको ब्यावर उपखंड की सबसे बड़ी स्कूल पटेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत विषय का अध्यापन कराने का अवसर मिला। कल्पना मैडम वैसे विचारों में बहुत स्पष्टवादी थी और वो अपने हर बात के लिए जो भी बात होती उसको सच्चाई के लिए मतलब अडिग रहती थी। विद्यालय संबंधी भी जो जानकारी उनको ज़्यादा थी क्योंकि वो बड़ी स्कूल से आई थी और हम लोग प्राइमरी सेक्शन से मिडिल सेक्शन से आए थे तो उनसे हमने कई चीज़ें सीखी। कल्पना मैडम की कुछ गतिविधियाँ थी जैसे वो स्काउट गाइड में बहुत रुचि रखती थी है ना और उनको हर बार लगता था कि मुझे कुछ नया सीखना है नई जानकारी लेनी है हर बार उनको हमेशा लगता था तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। खूब यात्रा करने का उनको शौक है घूमने फिरने का शौक है जहाँ भी इनको बोलते थे कि कहीं चलना है तो वो तैयार हो जाती थी मतलब हमेशा हर चीज़ के लिए वो जानना चाहती थी कि क्या है कैसे है और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न उनके जीवन में था वो पीछे हटने वाली नहीं। आपके द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे आज उच्च पदों पर आसीन हैं। आपका व्यवहार स्टाफ बहुत ही सामंजस्यपूर्ण सहयोग और सकारात्मक और आप छात्रों के प्रति जो वास्तव में गुरु के जो दायित्व होते हैं जो गुरु वास्तव में बच्चों को देता है वो इस जमाने में बहुत कम ही होते हैं उनमें से आप एक हैं और आपके सेवानिवृत्त होने पर इस विद्यालय को जो अपूर्णीय क्षति होगी वो वास्तव में उसको भरा नहीं जा पाएगा। आपका रिजल्ट विषय का हमेशा 100% रहा और छात्रों में आपकी जो इमेज है वो वास्तव में एक आदर्श गुरु के रूप में रही है। मैम का व्यवहार बच्चों के प्रति भी बहुत ही अच्छा निष्ठावान कर्तव्यपूर्ण रहा है। इस बात का अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं कि मैम अधिकतर 9th क्लास की कक्षा अध्यापिका रहती थी तो मेरा हमेशा यही रहता था कि मुझे अगले वस्त्र में कक्षा 10 जो मिले वो मैम की ही मिले ताकि मुझे वो बच्चे बिल्कुल वेल सेटल्ड मिले। बच्चों से हमेशा मैम के बारे में मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड ही मिला है मतलब बच्चे हमेशा मैम की पढ़ाई से कुछ ही रहते थे। कल्पना मैडम से मेरी मुलाकात 2016 दिसंबर में हुई उस समय इन्होंने मैंने एक दिन के अंतर में विद्यालय में ज्वाइन किया। इनका नेचर इतना अच्छा है कि ये किसी को भी अपना बना लेते हैं तुरंत मिलनसार भी है किसी का कोई कार्य हो तो उसको भी कभी करने के लिए मना नहीं करते हैं यहाँ तक कि स्कूल से संबंधित कार्य हो चाहे पारिवारिक कार्य हो कैसे भी हो हमेशा मैडम तत्पर रहती थी। बच्चों के साथ भी वो बैठकर तुरंत उस समस्या को सॉल्व करते थे ऐसा नहीं कि भाई उसको टाल देते थे ऐसे इनमें टालने की आदत नहीं थी काम को समय पर करने की आदत थी मुझे इनकी कमी वास्तव में जाने के बाद बहुत अच्छी थी। 2019 में आपने अपने जिगर के टुकड़े अपनी लाडली बेटी अमीषा का विवाह संस्कार जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर कार्यरत भूपेंद्र जी कुमार से कर दिया। आपके 25 वर्षों के सरकारी कार्य सेवा में आपने अनेक उतार चढ़ाव देखे लेकिन अपने मजबूत इरादों एवं संघर्ष से तपे हुए अपने जीवन से प्रेरणा लेकर उनका डटका सामना किया। आपके सार्वजनिक जीवन में अपने पिताजी का बहुत प्रभाव था स्पष्टवादी और सत्यवादिता का गुण आपने अपने पिताजी से ही अपनाया तो धैर्यवान एवं दूसरों की मदद करने की सोच आपको अपनी माताजी से मिली। आपके गौरव में 25 वर्षों के सरकारी सेवा कार्यों को हम सभी नमन करते हैं और आपकी कर्तव्य निष्ठता ईमानदारी एवं मेहनत से हम सभी परिवारजन इष्ट मित्र गर्व करते हैं एवं प्रेरणा लेते हैं। सहेलियाँ तो बहुत होती है लेकिन कुछ सहेलियाँ होती है जो हमेशा साथ रहती है ऐसी मेरी कल्पना मैडम है वो हमारे 1990 के अंदर उनका सूत्र में पढ़ाते थे हम वो इंग्लिश हिंदी पढ़ाती थी मैं इंग्लिश पढ़ाती थी लेकिन हम दोनों का साथ बहुत अच्छा था 1990 के अंदर हमेशा साथ दिया उसके बाद में सरकारी नौकरी में लग गई है
फिर भी हमारा उनका साथ हमेशा रहता और आज तक रहा है। वो रिटायरमेंट होने वाली है, उनके बहुत खुशी है कि उनके पूरे 60 साल में रिटायर हो रही हैं वो, और हम उसे सुख दुख में साथ रहे उनके सुरक्षित भविष्य के कारण। सन 1993 में कल्पना मैडम और मेरी मुलाकात तारामणि स्कूल में हुई। कल्पना मैडम सामाजिक और संस्कृत विषय पढ़ाती थी। उनकी पढ़ाई का तरीका बड़ा ही रोचक और बड़ा ही सरल था। सभी छात्र उनसे पढ़ने के बड़े इच्छुक रहते थे। वह बड़ी ही सरल और सीधी स्वभाव की थी, बड़ी मेहनत करती थी, लेकिन उनका जीवन बड़ा संघर्षमय था। इस संघर्षमय जीवन में भी वह सदैव ही मुस्कुराती रहती थी। कठिन परिश्रम करके उन्होंने सरकारी अध्यापिका के पद को प्राप्त कर लिया। आज वह समय आ गया जो वह इस सम्मानित पद से रिटायर होने जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है और मैं अंतर मन से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 31 मई 2023 बुधवार को आप सरकारी सेवा से कार्यमुक्त हो रही हैं। हम सब यही आशा और विश्वास रखते हैं कि आप आने वाले जीवन में भी उसी नेक नियति से जिए, अपने समय को परोपकार, प्रकृति एवं अध्ययन अध्यापन में लगाएं, सभी के लिए प्रेरणा बने, सदा स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही कामना है। बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं तो शुरू हमें चोटियाँ बनाती थी, हमें स्कूल के लिए रेडी करती थी। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो वो हमें पूछती कि भाई स्कूल में क्या करवाया क्या नहीं करवाया। जब उनकी नौकरी लगी तो नौकरी लगने के बाद उनकी गुड़िया को हमने ही संभाला, उसके साथ खेले कूदे, उससे प्यार किया। मम्मी के गुजर जाने के बाद में मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी, मम्मी जैसा प्यार दिया, मम्मी जैसा ख्याल रखा। जब मैं ब्यावर में थी तब दीदी ने पग पग पर मेरा साथ दिया, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। दीदी हमारी ऐसी है कि तन मन धन से इनके ऊपर प्यार बरसाएं तो भी कम है। दीदी माँ के जाने के बाद में इसी दीदी ने हमारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। हमेशा एक ही बात कहती कि तुम्हें कभी कोई चीज़ की कमी महसूस हो तो मुझसे बात करना, मैं करूँगी तुम्हारे लिए सब कुछ। हम छोटे थे तब दीदी को उठाया करते थे कि दीदी हमारी चोटी बनाओ, हमारे स्कूल का टाइम हो रहा है। दीदी सीनियर क्लास तक हमारी चोटी बनाई है। हमको तो चोटी बनाना ही नहीं आता था, इतने बड़े हो गए जब तक इतने लंबे लंबे इतने घने घने बाल, वही संवारती वही सजाती। रिटायरमेंट के बाद की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। वैसे मेरी एक बहन थी शिमला, उसकी डेथ हो गई तो उसकी बेटी है छोटी सी, जिसकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके मम्मी पापा कभी यहाँ रहे कभी वहाँ रहे, मतलब उनका कोई एक ठिकाना नहीं है, तो बीच बीच में वो इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो उसकी पढ़ाई बाधित होती है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि उसको मैं मेरे पास रख लूँगी तो उसकी एक ही जगह रह करके पढ़ाई हो जाएगी, मेरा भी समय पास हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने ये भी सोच रखा है कि कहीं कोई स्कूल या कोचिंग संस्थान में काम मिल गया तो वहाँ पे मैं काम करूँगी, ताकि जो मेरा जीवन अनुशासित तरीके से चल रहा था वो चलता रहे। और घूमने फिरने की भी प्लानिंग बना रखी है कि एक बार नेपाल की यात्रा करके आऊँ। आपके लिए चार पंक्ति है। बारिश की भीगी मिट्टी की महक की तरह आप महकती रहें, बारिश की भीगी मिट्टी की महक की तरह आप महकती रहें, रवि के तेज की तरह आप दमकती रहें, रहे आपका मन शीतल चंद्रमा की शीतलता की तरह, रहे आपका मन शीतल चंद्रमा की शीतलता की तरह, विशाल वट वृक्ष की छांव की तरह आप हमें मार्गदर्शन देती रहें।